तो गाइस फाइनली शिमला और यही सीधी जो रोड है वो हमें लेके जाएगी नारकंडा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइडिंग लैड। तो यार जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक ट्रिप लगाएंगे बहुत बड़ा, एक बहुत ही कलेश पड़ गया बीच में, तो वो बड़ा ट्रिप तो नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टिल हम यहाँ पे आज सुबह निकल के जो है नारकंडा जाएंगे सबसे पहले, और वहाँ पे हाथू पीक है उसके ऊपर जो है हम कैंपिंग करेंगे, मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं वो। उसके बाद जो प्लान है हमारा नारकंडा से वो थियोक से होते हुए चंचल पास पे ऊपर जाके कैंपिंग करने का है। तो हुआ ये गाइस कि हमने निकलना तो था चिटकुल के लिए, हम चार भाई थे, लेकिन एक भाई का जो है वो एक्सीडेंट हो गया तो उनको वहाँ से वापस जाना पड़ा। तो ज़्यादा कुछ चोटें नहीं आई हैं, बट वो थोड़ा शॉक में है, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, मतलब रिकवर कर लूँगा। तो हम लोगों ने जो है फर्दर सोचा कि चलो अब या लीव्स भी हैं तो लेट्स नॉट वेस्ट देम, तो हमने प्लान जो है बना लिया है। तो सिर्फ दो ही हैं, एक मैं और एक मेरे बड़े भाई जो जा रहे हैं। तो हमारा कोई प्लान ऐसे होटल्स में नहीं है यार, खुद ही जो है हम एडवेंचर करने वाले हैं, एकदम प्रॉपर टेंटिंग वेंटिंग करके वहाँ पे बढ़िया खाना वाना भी हम बनाएंगे वहीं पे, और रेडी हो गए हैं, आराम से निकलने का प्लान है, कोई इतनी जल्दबाजी है नहीं, और सामान हमारा पैक हो गया है, वो मैं आपको बाइक्स पे अभी दिखा देता हूँ। फुल लोडेड हैं दोनों। तो गाइस अब अपना जो ट्रिप चालू हो चुका है, और घर से जो हम निकल रहे हैं, पीछे से भी हमारी वी स्ट्रॉम आ गई है, और इंटरकॉम लगाया है, धीरे धीरे सीखेंगे कैसा है क्या नहीं है। बट यार ये हमारी घर की गलियां हैं, मेरा होम टाउन अम्बाला, और ये अब हम जो है निकल रहे हैं, और हाईवे पे आपको जो है बताते हैं क्या इसका परफॉर्मेंस है। इंटरकॉम में यह कि यार मस्त गाने वाने बज रहे हैं, इसका भी एक छोटा सा रिव्यू मैं आपके लिए लेके आऊँगा। हाँ तीन अंडे हैं, ठीक है। क्या सही है, मैं तो लगा मैं फोन ना आगे लगा के गर्म हो जाता है। हाँ। बढ़िया है कि साला जब बात करो म्यूजिक अपने आप ही कम हो जाता है। देख रहे हो अभी आपको नजर आ रहा हो कितना नीचे है भाई साहब। हाँ यार मेरे को इसी चीज का तो डर लगता है भैया, पैनियर से साला किसी गाड़ी गाड़ी में लग जाए ना तो और कलेश हो जाएगा साला। तो गाइस हम आ गए हैं
आपका जरकपुर से राइट लेके शिमला वाली रोड जो है पंचकुला वाली, और यहाँ से अब है कुछ 100 किलोमीटर शिमला, उसके आगे फिर नारकंडा। और बढ़िया हो रहा होगा मौसम वहाँ पे, आई थिंक सूदिंग होगा, लेकिन सीज़न है चेरीज का, बढ़िया सीज़न, देखेंगे एंजॉय करेंगे। ट्रैफिक तो आई थिंक यहाँ से इसके बाद थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि फिर वो हाईवे है ना ये, और हिमालयन वाला, और मनी माजरा साइड पंचकुला साइड जितने लोग कटने होंगे कट जाएंगे, ये वही लोग हैं लोकल जो हैं यहाँ के। ओहो पहाड़ नजर आ गए, हाँ ऊपर जो चंचल पार्क है ना भाई, वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर दिखा रहा है, थंडर स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म, मस्त एडवेंचर हो जाएगा। यार हाईवे कितना बढ़िया है यार ये, है ना भैया, वो याद है एक बार हम पहले आते थे साला, कुछ ही नहीं, कैसे हाईवे होता था ये, कचरा हाईवे। अरे भाई साहब, हाँ ओ यार क्या नजारा है भाई साहब, हाँ अच्छा। ओ गाइस ये सामने बोर्ड बोर्ड देख लो, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश शिमला 89। और आगे देख लो थोड़ी गाय भी आ रही है। यहाँ थोड़ा रुके हैं हम, कसौली के एंट्रेंस पे हैं और पेट्रोल डला रहे हैं, अपनी गाड़ी में तो फुल है ऑलमोस्ट, भाई की गाड़ी में थोड़ा कम है तो वो डला रहे हैं, अभी फुल करा लेंगे उसके बाद शिमला तक चल जाएगा। तो गाइस ये जो मैंने ट्रैम्पलर के टायर्स लाने हैं और बहुत ही अमेजिंग है, ये देखो टर्न मार रहा हूँ, सुपर कॉन्फिडेंस यार, मतलब डुअल पर्पज टायर, मतलब रोड टायर जैसे परफॉर्म भी करते हैं, और कुछ जैसे बजरी वगैरह आती है ग्रेवल कुछ आता है भैया उसके ऊपर से इतने मक्खन लिए निकल जाते हैं ना, तो आई थिंक दीज आर वन ऑफ द बेस्ट टायर्स कि आप डोमिनार्स में लगा सकते हो अपनी। अच्छा वो मैंने H1 नहीं लगाया यार, क्योंकि पहले ही मेरे पास MRF के थे रोड टायर्स, तो इट्स बेटर कि मैंने ये वाले इस बार प्रेफर किए हैं, और आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट एट ऑल, मतलब मज़ा आ गया यार इसको लगा के तो टायर्स को। तो गाइस यहाँ से अपना शिमला है कुछ 40 किलोमीटर्स रह गया है, आई थिंक हमने जो है 2.5-3 घंटे में डिस्टेंस कवर कर लिया है, ऑल थैंक्स टू दी हाईवे अथॉरिटी जो इतना प्यारा हाईवे बनाया है शिमला के जाने के लिए। बीच में थोड़ा सा रफ पैच आया था सोलन बाईपास को क्रॉस करने के बाद, बट उसके बाद अमेजिंग है ये। गाइस क्लब महिंद्रा कांडा हार्ट जगह का नाम है, और ये क्लब महिंद्रा वालों की जगह है कांडा घाट। ओके मैं अगर कहूं तुम साहसी, गाइस कंग्रेचुलेट कर दो लक्ष्येंद्र और मेघा जी को, अब क्या है इनका ये पता नहीं, लेकिन मुबारक हो गाइस। गाइस अपन शिमला जो है ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं यार, एक जगह रोकी थी, नॉर्मल ब्रेड ऑमलेट ही खाया यार, और अब थोड़ी हल्की हल्की जो है ठंडी हवा पैरों में लगनी शुरू हो गई है, और टाइम हो रहा है कुछ 10:30 बजे, 8 बजे निकले थे, 3.5 घंटे हुए हैं, और बहुत सही टाइम पे हम पहुंच गए हैं। और इसके बाद यार अब सीधा प्लान है नारकंडा निकलने का, शिमला में तो कोई रुकने का सीन है नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है, और हमारा कोई काम है नहीं शिमला में, तो हम सीधा शिमला क्रॉस करेंगे, नारकंडा रुकेंगे, ऑलमोस्ट 2.25 घंटे दिखा रहा है, और फिर नारकंडा में
हमारा हम खाएंगे पहले सिड्डू, क्योंकि ऊपर जाके फिर कैंपिंग वैम्पिंग में लगेगा टाइम, चाहिए होगी थोड़ी सी एनर्जी हमें। हमने जो जो टेंट लिया है वो तीन लोगों का है, तो दो लोग हम हैं प्लस एक जो जगह बचेगी वहाँ पे हमारा अंदर सामान आ जाएगा, तो वो भी हमारे साथ सिक्योर रहेगा। तो अच्छा है, डीकैथलॉन का टेंट है गाइस, मैं जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ 3,500 का मुझे पड़ा ही है, वहीं जाके ले लिया था, और क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वाटरप्रूफ भी है, स्नो प्रूफ इतना नहीं है, बताया था उन्होंने मुझे वहाँ पे कि स्नो अगर गिरती है तो वो इसके ऊपर ही रह जाती है, और उसके लिए 7,000 वाला आता है। बट मैंने कहा यार इतना तो हमने स्नो में जाना ही नहीं है, तो वहाँ की जो असिस्टेंट थी उसने बोला कि सर मोस्टली लोग यही लेते हैं, तो अपना भी यही उठा लियो। भाई व्यू देखो यार, शिमला में भी ना मतलब अमेजिंग व्यूज़ तो आते हैं यार, और शिमला लोग कहते हैं कि यार बहुत लोग जाते हैं, बट ठीक है, लेकिन शिमला का जो टेम्परेचर है ना रात को बहुत डाउन चला जाता है। तो गाइस अपना शिमला ये आ गया, मंडी 145, मनाली 243, कुफरी यहाँ से 18 है, और रामपुर 131। पहला दिन जो हमारा था गाइस चिटकुल वाले सीन में तो रामपुर में रुकने का था, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ हुआ ये कि जब हम निकले हैं तो हमारे जो कज़न हैं उनका हो गया एक्सीडेंट सोनीपत के आसपास, और मुश्किलें तो तब बढ़ गई जब वहाँ पे लोगों ने लिया घेर, और उसके बाद जो फिर वहाँ पे पैसे वैसे देने पड़े, तो वहाँ पूरा जो हमारा प्लान था वो चौपट हो गया, क्योंकि उनको तो घर वापस जाना पड़ा। तो फिर चिटकुल के लिए अभी भी वहाँ पे 4 दिन थे, हम कर सकते थे चिटकुल भी, बट टू हेक्टिक हो जाता। देन वी थॉट कि यार कोई ना क्यों ना कोई मतलब हिमाचल में कैंपिंग का कोई सीन बनाया जाए, तो वी केम अक्रॉस दिस प्लेस चांशल पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, और कैंपिंग की लोकेशन मैंने इमेजेस में देखा है, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, बहुत ही अमेजिंग भी है देखने में। तो हमने कहा कि यार अगर आज सुबह जाते ही हम वहाँ चले जाएंगे आपका चांचल, तो हम पहुँचेंगे भी शाम के आसपास ही, क्योंकि नारकंडा से भी वो 5 घंटे का रास्ता है, तो फिर कैंपिंग वैम्पिंग बंदा मतलब टायर्ड हो जाएगा। तो वी थॉट कि आराम से उठ के लेट्स कवर नारकंडा। नारकंडा में सबसे पहले हातू पीक पे हम सोच रहे हैं कैंपिंग करने का, देन अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे निकल जाएंगे चांचल के लिए, तो अराउंड 10:30-11 हम वहाँ पहुँच के ठंडे ठंडे कैंपिंग जो है अपनी सेटअप बना लेंगे वहाँ पे पूरा, फिर वहाँ पे हम पूरा रुकेंगे 13 तारीख को, एंड देन 14 को क्या सीन बनता है वो मैं आपको जो है 13 तारीख के डे एंड पे बता पाऊँगा, क्योंकि वो हमें भी नहीं पता है। ठीक है, तो ट्रैफिक एकदम मॉडरेट है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है जैसे कि शिमला में आप लोगों ने कभी फेस किया हो, है ना, वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो फिलहाल आज नहीं है, क्योंकि फ्राइडे भी है, वीकेंड तो है नहीं। तो कुछ गाड़ियां हैं मोस्टली HP, तो टूरिज्म थोड़ा कम नज़र आ रहा है आज। बाकी चलते हैं सिड्डू वाली जगह पे, आपसे मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो नारकंडा यहां से 65 किलोमीटर जो है वो शो कर रहा है, एंड लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक तो मिलता है शिमला। राइडिंग लैड के चैनल से शिमला के नज़ारे। गर्मी है थोड़ी, लेकिन अगर आप जो कॉप्स खड़े हैं, जो पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, उन्होंने स्वेटर पहना हुआ है, दैट मीन्स कि ये देखिए हाफ जैकेट जैसे लेडीज पहनी हुई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो शिमला का जो वेदर है ना गाइस वो बहुत ही अच्छा रहता है, बट जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीने थोड़ा सा दिन में थोड़ा बहुत परेशान करता है, बाकी रात को तो यार मज़े हैं मज़े। आपने वैसे नारकंडा में पॉन्ड वाला एरिया देखा है? अच्छा तो गाइस नारकंडा यहाँ से ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर है, यहाँ पे हम रुके हैं सियाराम सिड्डू जी की दुकान पे, काफ़ी फेमस दुकान है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो सियाराम सिड्डू जी की दुकान, बढ़िया एकदम।
ये है आपका सिड्डू और ये है आपका घी साथ में। और प्राइसिंग है इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्राइसिंग। सिड्डू की प्राइसिंग तो इसमें नहीं लिखी हुई है भाई, मीठा सिड्डू ये लिखा देखो गाइस। ये मेन्यू है 50 से 60 रुपए, ठीक है। स्टीम एंड फर्मेंटेड बीट बन है ये, तो मैगी ना खाएं, पहाड़ों में आके सिड्डू खाएं हिमाचल में। तो गाइस जर आ गए हैं यहाँ पे हम नारकंडा से, बिल्कुल थोड़ा सा जो है पीछे हैं, और बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा लग रहा है मई के मौसम में। और एप्पल ऑर्कड मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, चेक कर रहे हो यार, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं नीचे भाई। इस दुकान से हमने ले लिया अपना थोड़ा सा देसी घी और चावल दाल। क्या कह रहे थे भैया, क्या कह रहे, कहाँ करनी है कैंपिंग? तो गाइस ये आप देख रहे हैं सामने, ये छोटी सी सड़क जा रही है, यहीं जाना है हमें, बट अभी ऊपर काम चल रहा है तो बाइक साइड में लगानी पड़ेगी, थोड़ा हट गया है। और यहाँ पे जो भी काम चल रहा था वो 5-7 मिनट का था, अब यहाँ से देख के हम चलेंगे ऊपर। ये ओहो शीशा खुला रह गया, मिट्टी का भवारे बढ़ गया मुँह पे। ये एकदम से बढ़िया रास्ता ऊपर जाता हुआ, ओहो हो एकदम हाइट पकड़ ली यहाँ पे, तो मेरे को तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, इतनी मिट्टी उड़ा दी आपने। ओहो हो तुम माने मेरी जान तुझे जान दूंगा। साला इतना लंबा तो कभी था नहीं, अचानक कैसे हो गया इतना लंबा? ये लो, क्या हुआ, स्टैंड नहीं लगा? अच्छा अच्छा आगे करूं, ठीक है। सो गाइस ये है अपनी नारकंडा की हाटू पीक की एक छोटी सी, एक छोटा सा पॉन्ड है, कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा, ये देखो। बेहतरीन मंदिर किस तरफ है? वही है भैया, राइट में ही है, राइट में ही है। ऐसे हाँ नहीं, आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ आ जाओ, ये थोड़ा और आगे जाएगी अभी बाइक। ओ भैया सामने व्यू देखो यार, खतरनाक साला ऊपर ही आ गया एकदम भाई साहब। यहाँ सुबह होगी ना भैया, मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे पता है, ओ ये देखो नज़ारा, यहाँ लगती है बाइक। तो गाइस ये है आपके लिए मेरी तरफ से नज़ारे, सामने आप पर्वत देख सकते हैं एकदम स्नो कैप्ड। तो गाइस हम आ गए हैं हाटू पीक के ऊपर, और नज़ारे हम आपको जो है कल सुबह बहुत अच्छी दिखाएंगे। ये जगह है जहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और वहाँ से जो है बर्फ़ भी दिख रही है। ये लग गया है हमारा टेंट यहाँ पे, और ये हमारे पड़े हैं मैट्रेसेस, स्लीपिंग बैग, बाइक्स को यहाँ लगा देंगे,
दोनों बाइक्स को काउंटर खड़ा करने से क्या है कि इस बाइक को सपोर्ट इस तरफ है, इस बाइक को सपोर्ट इस तरफ है। अगर दोनों बांध दी जाएंगी तो ये बाइक उस तरफ नहीं गिरेगी क्योंकि ये सपोर्ट करेगी, ये उस तरफ नहीं गिरेगी क्योंकि ये सपोर्ट करेगी। सुन लिया ना गाइस, होना चाहिए ये, मेरे को दिखना चाहिए अगली यूट्यूब वीडियोज में आपके। भाई ये है हमारा मस्त सोने का सेटअप, ये सोने का सेटअप तो बहुत बढ़िया लगा भैया ना। बढ़िया, हमारी खिचड़ी की तैयारी चालू है, खिचड़ी बन रही है, लाइट वाइट का अरेंजमेंट सब कर लिया हमने। बाहर बिल्कुल खूब अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है एकदम। गाइस अंधेरा देखो बाहर, कुछ नजर नहीं आएगा। और यहाँ हमारा बन रहा है खाना, पानी अंदर ही रख ले। सिर्फ फोन की लाइट है और हमारे पास पानी। और यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, मच्छर आ रहे हैं और बाहर आपको कुछ नहीं लगता।